अस्सलाम वालेकुम मतीन भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। और आपके कंप्यूटर में दो बेसिक टूल्स होंगे, इसका नाम है नेटबीन्स, आपने नेटबीन्स खोलना है, इसका नाम है XAMPP और आपने XAMPP खोलना है। सही, ये दोनों बटन आपके होने चाहिए ग्रीन, सही है, और पोर्ट होनी चाहिए जो भी है आपने, ये मुझे बताना है कि 80, ये हम हमारी तुम्हारी सेम में पोर्ट के डिफरेंट है। सही है, उसके बाद ये खोलना नेटबीन्स, सही है, इसको खुलने दो। साथ में मैंने तुम्हें ये फोल्डर शेयर करना है किया हुआ, बल्कि इसको तुमने करना है एक्सट्रैक्ट हेयर, सही है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो ये फोल्डर सामने आ गया, ये हमारा नेटबीन खुल गया, इसको बंद कर देना है। सही है, इसको ओपन करोगे तो दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये वाली जो फाइल है ये तुम्हारी डाटाबेस की है, ये तुम्हारी जो है ना एक्चुअल प्रोजेक्ट उसकी है। सही है, पहले हम देखते हैं हमने प्रोजेक्ट सॉरी डेटाबेस कैसे सेलेक्ट सेट करनी है। सही है, ये हमारा एग्जाम कनेक्टेड है, बंद किया इसको, पैरामेनिक खोला, पैरामेनिक क्रोम खोला, यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट और PHP में एडमिन। सही, लोकल होस्ट PHP में एडमिन लिख के और एंड पे ये स्लैश आनी है, ठीक है, अगर स्लैश डालोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी, स्लैश आनी है, ये इंटरफेस खुल जाएगा। अगर ये ना हो तुमसे तो खाली लोकल होस्ट लिख के स्लैश के साथ ये PHP में एडमिन का ये बटन है। सही है, दोनों एक ही जगह लिखे जाते हैं, लोकल होस्ट PHP में एडमिन। यहाँ पर जाके तुमने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें डाटा बेस का नाम पूछ रहा है, डाटा बेस का नाम आपने क्या रखना है। सही है, इस फोल्डर में जाना है, F2 करना है, कंट्रोल करना है, इसको यहीं पर छोड़ देना है। सही है, यहाँ से हमने डाटा बेस का नाम कॉपी किया है, यहाँ पर जाके हमने पेस्ट करना है, यहाँ पर हमने क्रिएट का बटन दबा देना है। सही है, शॉपिंग कार्ट के नाम की हमारी एम्प्टी डाटाबेस हमारे पास तैयार हो गई है। सही है, यहाँ पर हमने करना है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करने के बाद चूज फाइल करनी है। सही है, डेस्कटॉप के ऊपर है HMM, ये यहाँ पर करके इसको ओके कर देना है। सबसे नीचे जाके गो, ये हमारी डाटाबेस कनेक्ट हो रही है, ये तुम्हारी डाटाबेस बिल्ड हो गई है। सही, ये तुम्हारी डाटाबेस यहाँ से उठ के वहाँ चली गई है। सही, अब आ गई है प्रोजेक्ट की बात। सही, ये प्रोजेक्ट है और ये हमारी फाइल्स है सारी। सही है, सबसे पहले क्या है फोल्डर का नाम HMM है, हाफिज मोहम्मद वतीन। अब तुमने एग्जाम पे जाना है। सही, ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी खुले हुए हैं, यहाँ पर आके तुमने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सॉरी ओपन है, ओपन, ये न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन ये आ रही है। यहाँ पे PHP सेलेक्ट करना है, HTML वगैरह नहीं करनी है, आपने PHP सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज करना है, कैपिटल में HMM, अगर तुमने कुछ और नेम रखा ना तुम्हारे वो नहीं चलेगी सही तरह से। सही, और यहाँ पर बस फिनिश कर देना है, नथिंग एल्स। यहाँ पर तुम्हारी बाई डिफॉल्ट इंडेक्स की फाइल एक तुम्हें दे रहा है, न्यू प्रोजेक्ट जो भी तुमने बनाया है उसकी, ठीक है, इसको तुमने यहाँ से कर देना डिलीट। सही, यहाँ पर अब जाना है अपना, यहाँ पर HMM के अंदर ये तो तुम्हारी चीज़ें पड़ी हैं, इसको तुमने उठाना है, कॉपी करना है और नेटबीन्स में यहाँ सोर्स फाइल के ऊपर रख के कंट्रोल वी कर देना है। सही, अब ये तुम्हारी इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर तुमने लिखना है अब लोकल होस्ट, यहाँ पर लिखना है कैपिटल में HMM और आगे index.php, इसको खोलोगे ये तुम्हारी वेबसाइट आ गई है, 1 2 3 4 5 6 पर और 1 2 3। सही है, तुम्हारा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, तुमने ऐसे ही ओपन करना है और ये अपनी वीडियो तुम्हारा सेव रखना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे बार बार काम आएगी इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है ना, हम एक जिप फाइल को उठा के हम अपनी लोकल मशीन के अंदर रखते हैं और उसको चला के देखते हैं। ओके, ये बंद कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, फ्रंट एंड में कोई मसला आए तो वीडियोस वगैरह देख लेना, ठीक है,
और मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा भी फाइनल प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है।